नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद अब उम्मीदवारों के नाम को लेकर के भी बिहार में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार तय कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार ने भी इसे लेकर के बड़ा फैसला लिया है और अब सीवान संसदीय क्षेत्र को लेकर के लिए एक बड़े फैसले में नीतीश कुमार की पार्टी ने इस बार सीवान में उम्मीदवार बदल दिया है। जी हाँ, सीवान को लेकर के जो बड़ी खबर है उसके अनुसार इस बार के संसदीय चुनाव में सीवान से कविता सिंह का पत्ता कट गया है और नीतीश कुमार ने एक बार फिर से यहाँ एक दूसरी महिला पे दाव लगाया है और यह है विजय लक्ष्मी। दरअसल विजय लक्ष्मी की अगर आप बात करें कि कौन है विजय लक्ष्मी, तो विजय लक्ष्मी पर हम आए उसके पहले आपको यह बता दें कि पिछले संसदीय चुनाव के दौरान एक नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला था। उस दौरान सीवान के एक तरीके से कहा जाए तो अपराध की जगत से आने वाले अजय सिंह ने आनन फानन में कविता सिंह से खरमास में ही शादी की थी और खरमास में शादी की, जदयू ने उनकी पत्नी को टिकट दिया, यानी कि अपराध जगत से आने वाले अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह को जदयू ने उम्मीदवार बनाया और उन्होंने सीवान से चुनाव जीत लिया। लेकिन 5 साल बाद अब स्थिति बदल गई है और इस बार नीतीश कुमार की पार्टी विजय लक्ष्मी पर अपना दाव लगा रही है। तो विजय लक्ष्मी कौन है, आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि इस बार भी जो विजय लक्ष्मी, जिन्हें जदयू के उम्मीदवार बनाने को लेकर के अब सहमति करीब करीब बन चुकी है, यह विजय लक्ष्मी भी एक ऐसे व्यक्ति की पत्नी है जिन पर हत्या का आरोप लगा था। पूर्व विधायक रह चुके हैं और पूर्व विधायक रहने के दौर बीच भी उन पर जो हत्या के आरोप लगे थे, इसमें मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा और ये जो तमाम तरीके कानूनी पेचीदगियों में उनके पति फंसे हुए हैं, तो इसी को लेकर के अब सीवान से नीतीश कुमार ने विजय लक्ष्मी को उम्मीदवार बनाया है, न कि उनके पति रमेश कुशवाहा को। दरअसल रमेश कुशवाहा सीवान के जीरादेई संसदीय क्षेत्र से पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो जीरादेई विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इस बार जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी को घर के आंगन से उठा करके संसद के गलियारे में पहुंचाने के लिए जदयू ने पूरी रणनीति तय कर ली है और अब जदयू के उम्मीदवार के तौर पर विजय लक्ष्मी सीवान में दाव ठोकेगी। दरअसल अगर हम सीवान की बात करें तो सीवान लंबे अरसे से बिहार के उस संसदीय क्षेत्र में शामिल रहा है जिसकी अलग अलग वजहों से चर्चा होती रही है। चाहे एक लंबे अरसे तक सीवान की चर्चा शहाबुद्दीन को होते रही लगी, वही शहाबुद्दीन जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खास रहे और उनके नाम पर कई प्रकार के आपराधिक रिकॉर्ड भी रहे, हत्या, हत्या की कोशिश, लूट, रंगदारी, अपहरण, ये कई ऐसे जो अपराध की दुनिया में जो किताब में नाम होते हैं वो तमाम आरोप लगे थे और उन शहाबुद्दीन का पत्ता साफ करने में पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह ने दमखम दिखाया और वहां पे कविता सिंह जीत कर आई। तो इस बार शहाबुद्दीन की मौत के बाद, यानी कि वर्ष 2021 में जो शहाबुद्दीन की मौत हुई है उसके बाद यह पहला चुनाव है जिस चुनाव में करीब 3 दशकों के बाद सीवान शहाबुद्दीन के साये से अलग होकर के चुनाव मैदान में उतरने जा रहा है और इस चुनाव में सीवान में जदयू की ओर से विजय लक्ष्मी वहां पे ताल ठोकेंगी और उनके मुकाबले अब महागठबंधन की ओर से जो उम्मीदवार होंगे, साथ ही साथ जो अन्य उम्मीदवार होंगे, उन सब के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करने की तैयारी में है। दरअसल सीवान में अगर हम बात करें कि वहाँ के वोटों के समीकरण पर, तो सीवान को बड़े स्तर पर यादव और मुसलमान वोटों के लिए भी जाना जाता है, साथ ही साथ यहाँ कुर्मी कुशवाहा वोटों की भी एक अच्छी खासी तादाद है और सवर्ण बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी ने पूरी रणनीति को सेट करते हुए इस बार विजय लक्ष्मी को उम्मीदवार बनाया है जो कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। पूर्व इनके जो पति हैं रमेश कुशवाहा, वह पूर्व विधायक रह चुके हैं और नीतीश कुमार के लिए अब तीर को सीवान में गाड़ने के लिए, निशाने पे लगाने के लिए विजय लक्ष्मी इस बार वहां पर उम्मीदवारी के तौर पर उतरेंगी और देखना महत्वपूर्ण होगा कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो सीवान की जनता विजय लक्ष्मी के नाम पर किस प्रकार से नीतीश कुमार के निर्णय में समर्थन करती है या फैसला कुछ और देती है।